जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज पटवारी के जो पेपर हैं उसके बारे में सारे जो क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि हमने पहले भी चर्चा की है पटवारी के सिलेबस के बारे में, पटवारी में एज क्या होती है, वो सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की हैं। और अभी एक्चुअल में अब जो डिस्कस हमें करना चाहिए वो ये कि भाई पढ़ाई कैसे की जाए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें तैयारियां करनी चाहिए, ये सारी चर्चाएं इसमें होनी चाहिए। तो यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको सारा क्लियरिटी मिल जाएगी, आपके जो भी क्वेश्चंस माइंड में होते हैं वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, लास्ट तक आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और एक और आज आप सबको मेरी तरफ से सरप्राइज है कि बहुत जल्दी हम पटवारी की फ्री टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, जैसे हमने एमपी प्लस की फ्री टेस्ट सीरीज कराई थी। तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि वो टेस्ट सीरीज आपको कहां मिलेगी, कैसे आपको उसे देना है, कैसे आपको उसे सॉल्व करना है, वो सारा कुछ होगा। बस लास्ट तक वीडियो के जुड़े रहेगा, लास्ट तक वीडियो बने रहे। तो सबसे पहले तो देखो, एक क्वेश्चन जो आप सबके मन में आ रहा है, बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जो सीपीसीटी है वो अनिवार्य होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो सीपीसीटी की, देखिए सीपीसीटी जो 2017 था, 2017 में ये था कि भाई आपको सीपीसीटी अनिवार्य नहीं है, सिलेक्शन ले लो, ज्वाइनिंग ले लो, और ज्वाइनिंग के दो साल बाद, दो साल के अंदर आपको सीपीसीटी करके और फिर आपको उसमें करना था। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अभी भी सीपीसीटी नहीं हुई है, 2017 में जिनका सिलेक्शन हुआ था और अभी भी उनकी जॉब बाकायदा चल रही है। तो 2017 में कुछ ऐसा था, उसके पहले 2017 के पहले यदि मैं बात करूं तो ऐसा कुछ होता था कि कंप्यूटर का डिप्लोमा डीसीए पीडीजीटीए वगैरह भी जरूरी होते थे, ठीक है। लेकिन 2017 में इन्होंने ये खत्म कर दिया, और 2017 में इन्होंने मतलब डीसी पीजीटीसी खत्म कर दिया, इन्होंने सीपीसीटी कर दिया। अब देखो 2017 में सीपीसीटी भी खत्म कर दिया, तो 2017 में क्या था कि बस आप ग्रेजुएट हैं, आप ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म भर दीजिएगा, ज्वाइनिंग ले लो, ज्वाइनिंग के बाद फिर आप सीपीसीटी कर लो। तो अब मुझे ये नहीं लगता कि अब 2022 में फिर से कुछ चेंज होगा। मुझे जो लग रहा है, अभी देखिए नोटिफिकेशन नहीं आया ऑफिशियल, तो आप यदि किसी ने आपसे बोला है कि सीपीसीटी जरूरी है, कुछ अफवाहें फैल रही हैं, कुछ वीडियोस वगैरह बच्चों ने देखे होंगे, किसी ने बना दिया कि सीपीसीटी जरूरी है, अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि सीपीसीटी होगा कि नहीं होगा। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि भाई ऐसा कभी नहीं होता कि एक बार रूल चेंज हो जाए उसको फिर से वापस वही किया जाए। इसके लिए दो बातें हैं, एक तो ये कि भाई फिर से सीपीसीटी यदि वो लागू कर देगा तो उसमें सीपीसीटी लागू करने में पीबी को घाटा होगा। पीबी को घाटा क्या होगा? अच्छा आप ये बताओ, आप में से कितने लोगों का सीपीसीटी है, नीचे ये वीडियो के कमेंट करना, आप सभी जेन्युइनली, तो आपको खुद पता चल जाएगा, आप खुद एनालिसिस कर पाओगे कि भाई कितने ही फॉर्म भरेंगे। यदि अभी बिना सीपीसीटी के फॉर्म भरवाएगी तो कम से कम 8 से 10 लाख फॉर्म भर जाएंगे, और यदि वही कह देगी कि सीपीसीटी अनिवार्य है तो मुश्किल से 2-2.5 लाख फॉर्म भरने वाले, तो पीबी अपने इतना घाटा तो नहीं करने वाली। तो मुझे जो लगता है कि बिना सीपीसीटी के ही फॉर्म भरा जाएगा, 2017 में भी यही था और इस बार भी यही होना चाहिए, और इस बार होगा भी यही, बाकी जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो और कंफर्म हो जाएगा। और तो और मुझे यह लग रहा है कि इस बार देखना ये जरूर कर देंगे कि यदि आप फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे पेपर हैं, सीजीएल है, एसएससी का, उसमें आप यदि फाइनल ईयर में है तो आपको फॉर्म भरने मिलता है, तो यहां पे ये इस बार जरूर मुझे लग रहा है कि ऐसा कर देंगे कि जो फाइनल ईयर में है वो भी फॉर्म भर पाए, वो भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो रहेगा, क्योंकि तभी तो ज्यादा फॉर्म भरेंगे, तभी तो ज्यादा कमाई होगी, ठीक है। तो सीपीसीटी यदि किसी के मन में आ रहा है कि होगा तो नहीं है, बाकी यदि आप अगले 1-2 महीने में करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, नहीं भी है तो मुझे नहीं लगता कि सीपीसीटी अनिवार्य होने वाला है। अब बात यह है कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, तो देखिए नोटिफिकेशन जो आने वाला है, नोटिफिकेशन के लिए आप सबको
25 तारीख तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 25 तारीख को आप सबको पता है कि जो हमारे पंचायत चुनाव है उनको लेके, परिसीमन को लेके एक बहुत समय से मुद्दा चला आ रहा है, रिजर्वेशन को लेके 25 तारीख को वो क्लियर होने वाला है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही वो होगा तो उसके साथ ये नया कैलेंडर अपडेट कर देंगे और नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी देखो शायद 3000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, 5000 नए पद सृजित किए गए हैं। सृजित करने का मतलब, सृजन का मतलब भाई पहली बार ये बनाए गए हैं, पहले इतने पद नहीं थे, पहले 19000 पद थे एमपी में, पटवारी के 5000 नए पद बनाए गए हैं, तब टोटल 22000 पद हो गए। टोटल कितने पद हो गए? 22000 पद हो गए हैं, ठीक है। तो अभी शायद 3000 पदों पे वैकेंसीज निकलेंगी और इन 3000 पदों पे भर्ती होगी, फिर 2-3 बार कर करके ये इस तरीके से वैकेंसीज निकाल रहे होंगे। ठीक, तो ये हो गया कि सर नोटिफिकेशन, तो मुझे लगता है कि इस महीने में 25 तारीख तक आपको क्लियर हो जाएगा और लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन पता चल जाएगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो बच्चा जेन्युइनली चाह रहा है कि सर हमें पढ़ना है और हमें सिलेक्शन लेना है, तो देखो इस बात की उसको चिंता तो होती ही है कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, सीपीसीटी अनिवार्य होगा या नहीं होगा। इसके साथ में उसको यह भी चिंता होती है कि सिलेबस क्या है, कि सर पढ़ाई कैसे करें। लेकिन जो बच्चा केवल और केवल टाइम पास ही कर रहा है उसको यही चिंता होती है, सर सीपीसीटी नहीं है हमारा, वो कुछ ना कुछ बहाने ढूंढता रहता है अपने अंदर ताकि घर पे वो बहाने बता सके कि यार इस कारण से हमारा नहीं हुआ। हम तो बहुत सक्षम थे, हम तो मौका नहीं मिला प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन वो ये वजह थी, इसकी वजह से नहीं बन पाए। तो ऐसे खास करके 90% लगभग बच्चे ऐसे ही हैं, 90% जो है वो ऐसे ही होंगे। ठीक है, आप देखते हैं कि आखिरी समय पे भीड़ आ जाती है, बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, लाखों बच्चे चिल्लाते हैं हमारा पेपर खराब गया, हमारा पेपर टफ गया। सेंटर पे जब आप एनालिसिस करने जाओ तो बाहर 100 बच्चा पेपर देके निकलता तो उसमें से एक आध बच्चा क्या कह रहा होता है कि सर पेपर अच्छा था, इजी था, 99 कह रहा होता है कि टफ है। भाई सिलेक्शन तो एक आध का ही होता है, आप एमपी पुलिस में देख लो 12 लाख फॉर्म डले, 6000 वैकेंसी है, भाई 12 लाख फॉर्म डले, कितने फॉर्म डले? 12 लाख, और वैकेंसी कितनी है? 6000। अब मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो कि इसका यदि मैं 1% भी निकालूं तो 12000 हो जाता, इसका यदि मैं 1% भी निकालूं तो 12000 हो जाता, मैं 0.5% निकालूं तो आता है 6000। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि 0.5% बच्चों का सिलेक्शन होना है। तो जब पेपर के बाहर भीड़ निकलती है, 100 में से यदि आधा बच्चा भी ये कह रहा ना कि पेपर इजी था, तो पेपर इजी था क्योंकि सिलेक्शन तो वही होगा ना, जिसने पढ़ा है, जिसने ढंग से पढ़ा ही नहीं है उसका सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं होने वाला। तो लगभग 100 में से 99 बच्चा जो होता है वो चिल्लाने वाला होता, क्योंकि वो लास्ट में आएगा, पढ़ने लिखने से कोई मतलब है नहीं। ये आते हैं घर परिवार को दिखाने, किसी आजू बाजू पड़ोस को किसी को दिखाने के लिए, इसके लिए और कुछ नहीं है, बस ये पीबी की कमाई करवाने का जरिया है। पीबी ने जो 1000 करोड़ रुपए कमाया वो इन लोगों की वजह से, इन लोगों की वजह से नहीं, ये तो अपनी जनरली पढ़ाई कर रहे हैं और सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो अभी अब हम आगे का जो चर्चा करने वाले हैं वो इसी के लिए कि भाई आप यदि सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको कैसे क्या पढ़ना होगा, किस तरीके से चीजें होंगी। सबसे पहला पॉइंट, अभी भी जो बच्चा पूछता है कि सर कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे ज्यादा फोकस करें, तो भाई मेरी बात तो ये है, मुझे जो लगता है, मेरा जो अनुभव कहता है, और आप सबको भी इतना सिंपल सी बात समझने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी कि सर 5 सब्जेक्ट पूछेगा, हिंदी पूछेगा, मैथ्स पूछेगा, पंचायती राज पूछेगा, कंप्यूटर पूछेगा और जीके पूछेगा, खास करके एमपी, सभी 20-20 क्वेश्चन के आने हैं। अब मुझे बताओ जब सब 20-20 क्वेश्चन के हैं तो आप ऐसा किसे कह देंगे कि सर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है? सब इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी कम या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं सारे पेपर। अब बात ये करते हैं कि सर हमें पढ़ना कैसे है। देखो ये आपके मन में अभी भी क्वेश्चन है कि सर हम एक आध कोई सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं क्या, तो फिर मेरी सलाह यह है कि फिर आप इस पेपर को छोड़ दो, किसी और के बारे में सोचना, क्योंकि आप यदि इसमें से एक सब्जेक्ट भी छोड़ दोगे,
आप इतना अच्छा नहीं पढ़ेंगे कि आप 20 क्वेश्चन छोड़ दो बाकी 80 में से 80 ले आओ, इतना अच्छा आप पढ़ नहीं सकते हैं। पीवी इतना अच्छा आपको पढ़ने नहीं देगी कभी, पीवी इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो 80 में से 80 क्वेश्चन आने से रहे। और कम से कम सिलेक्शन के लिए आप मान लो कि आपका टारगेट 85 प्लस होना चाहिए। जब आप 85 प्लस टारगेट लेके चलोगे तब जाके वहां आएगा। एमपी पुलिस में बहुत सारे बच्चे जब टेस्ट सीरीज लगा रहे थे तो 90-90 नंबर आ रहे थे, और जब पेपर देके निकले तो 60-62-65 नंबर पे रुक गए, 90 नंबर वाले 65-70 पे रुक गए। उन्होंने सभी जगह की टेस्ट सीरीज लगाई और 90-90 नंबर तक पहुंच रहे थे और यहां 65 नंबर पे रुक गया। तो बस समझो, तो यहां आप 85 प्लस टारगेट करोगे, जब घर पे आप 85 प्लस जा रहे होंगे तो आप जाइएगा पेपर में तो 75-80 नंबर तक आपके बनेंगे यदि जनरली आपने तैयारी की है। तो अब ये है कि सर हमें थोड़ा सा इनमें यदि देखें तो कौन सा सब्जेक्ट हमारे साथ न्याय कर रहा है। देखो कंप्यूटर की यदि मैं बात करूं, कंप्यूटर हार्डली जो है वो 35-40 घंटे का होता है, बहुत ज्यादा है तो आप 40 घंटे यदि पढ़ते हो तो 40 घंटे पढ़ के आप कंप्यूटर को कर सकते हैं, ठीक है। यदि मैं बात करूं पंचायती राज की, पंचायती राज के 20 क्वेश्चन आने जरूर हैं, लेकिन पंचायती राज में 20 क्वेश्चन में मैं पिछले पेपर को देख के बोल रहा हूं 12 क्वेश्चन करीब जो है वो पंचायती राज के हैं, बाकी 8 क्वेश्चन उसने यहां भी एमपी जीके के ही डाल दिए और करंट अफेयर्स के, एमपी जीके और करंट अफेयर्स के ही डाल दिए। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो एमपी जीके का वेटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है, साइंस यहां पर बहुत कम पूछेगा, साइंस यहां पर नहीं है। और पंचायती राज यदि मैं देखूं तो पंचायती राज भी बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे तो 40-50 घंटे में हो जाएगा आपका, पंचायती राज 40-50 घंटे में हो जाता है। इंपॉर्टेंट है सर एमपीजी के, एमपीजी के यदि आप पढ़ रहे हैं तो लगभग लगभग 150 घंटे जब आप पढ़ोगे तब आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा पोर्शन है, हिस्ट्री भी जोड़ देता है, ज्योग्राफी भी जोड़ देता है, करंट भी जोड़ देता है और स्टैटिक भी जोड़ देता है, बहुत सारी चीजें इसमें कर देता है, तो ये थोड़ा सा वेटेज आपका ज्यादा हो जाता है। हिंदी की यदि आप बात करें तो देखिए भाषा की कोई लिमिट वैसी होती नहीं है, लेकिन हिंदी आप जनरली सभी पढ़ रहे होते हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले जो होता है पेपर में, जब आप इंग्लिश मीडियम वाला पेपर कोई इंग्लिश का पेपर देता है तो उसको फायदा यह मिलता है कि उसने हमेशा से वो चीजें पढ़ी हैं और वही चीजें पढ़ते आ रहा है, तो वो थोड़ा सा उनको जल्दी कर लेता है, बस फायदा यही है। तो हिंदी मीडियम में बस यही कि सर हिंदी, हम यदि आप हिंदी मीडियम से हैं, आप हमेशा से हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको समय जल्दी हो जाएगा, आप जल्दी उसको समझ पाएंगे, लेकिन हिंदी में आपको आना तो 20 क्वेश्चन ही है और ये भी सिलेबस बहुत कुछ है, बढ़ा है, तो आप इसको भी डिटेल में पढ़ोगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि हिंदी में मुख्य जो समस्या है वो ये कि सर ज्यादातर तो आपसे एग्जाम्पल पूछना, ना ज्यादातर आपसे क्या पूछेगा, एग्जाम्पल पूछेगा, हर एक जगह से उदाहरण ही पूछता है और उदाहरण अनगिनित है, उदाहरण तो जो है वो क्या है, असंख्य है, कोई लिमिटेशन तो इसमें है नहीं। तो जितने आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करें, जितना आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें वो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं सर मैथ्स की। देखिए मैथ्स मतलब जैसे मैंने आपसे बोला कि कंप्यूटर 35-40 घंटे में हो जाता है, एमपीजी के 150 घंटा आपका लेगा, पंचायती राज 50-60 घंटे में आपका हो जाएगा थ्योरी के साथ आप पढ़ोगे। मैथ्स में अभी हम डेली, आपको पता होगा कि फ्री पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं, डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर में आपको सॉल्व करा रहा हूं। अभी तक हमने मैथ्स के जो पेपर सॉल्व किए उन सभी में मैं देख रहा हूं कि सभी टॉपिक कवर कर रहा है, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग दिन अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा है। किसी दिन परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन 3 या 4 पूछ लिए, किसी दिन एक भी नहीं पूछा, मतलब सभी टॉपिक, ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जो किसी ना किसी शिफ्ट में ना पूछा गया हो, मतलब आप मैथ्स के किसी भी एक टॉपिक को छोड़ के नहीं जा सकते। ये समय ऐसा है, इतना कंपटीशन का समय है कि आप यहां रिस्क नहीं ले सकते कि सर हम ये टॉपिक छोड़ के चले जाएं, मतलब आपको मैथ्स पूरी पढ़नी होगी, पूरी पढ़नी होगी तो आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ना होगा। अब मुझे जो लगता है कि भाई मैथ्स यदि आप पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस तो जरूरी है, तो आप यदि ढंग से पढ़ते हो तो एटलीस्ट कम से कम 300-400 घंटे तो आपको लगते ही लगते हैं एक बार मैथ्स को पढ़ने में, ढंग से यदि आप पढ़ोगे, ढंग से कोई कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, जो चीजें जिस तरीके से पूछी जा रही है वो आपको पढ़ाई जा रही है, कि पेपर में जब आप बैठे पेपर में भी आपको क्वेश्चन बन जाए ऐसा कुछ आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए समय आपको लगता है, तो 300 करीब घंटे आपको मैथ्स के लिए लगेंगे। तो आपकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि सर आगे आने वाले, आप मान लो मुश्किल से मुश्किल आपके पास 100 दिन है, मुश्किल से मुश्किल आपके पास 4 महीने हैं, 100 दिन हैं। अब इन 100 दिनों में आपको कैसे पढ़ना है,
किस तरीके से पढ़ना है वो आप देखिएगा, आप अपने टाइम ड्यूरेशन को डिवाइड करिएगा। आपके पास ये पांच सब्जेक्ट हैं, आपको रोज लेके चलना है। आप मैथ्स को तो रोज लेके चलेंगे, हिंदी को भी रोज लेकर चल रहे होंगे, एमपीजीके को भी रोज लेकर चल रहे होंगे, पंचायती राज कंप्यूटर को भी रोज लेके चलेंगे। लेकिन आप समय डिसाइड कर सकते हैं कि हो सकता है कि सर पंचायती राज को हम 30 मिनट दे रहे होंगे, कंप्यूटर को भी हम 30 मिनट दे रहे हैं, हिंदी को भी हम 30 मिनट दे रहे हैं, एमपीजीके को हम 1 घंटा या 45 मिनट दे रहे हैं, मैथ्स को हम 1 घंटा या 1.5 घंटा दे रहे हैं। जो भी आपका टाइम है वो अपना डिसाइड करिएगा कि इस तरीके से हमें पढ़ना है। टॉपिक पढ़ने के साथ साथ आप पेपर जरूर लगाते रहें, क्वेश्चन के पेपर की प्रैक्टिस जरूर करते रहें, ये सारा जरूरी होगा। तो इसके लिए जो भी आपकी एक स्ट्रेटजी है, अगले 100 दिन का आप एक बढ़िया प्लान बनाओ। आप 100 दिन मान के चलो कि सर हमारे पास 100 दिन है, और इन 100 दिनों में आपका ये पूरा सिलेबस आपकी साइड से होना चाहिए। 100 दिन के बाद फिर आपको कुछ पढ़ना नया ना पड़े, 100 दिन के बाद आप केवल और केवल क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। 100 दिन के बाद केवल और केवल क्या होना चाहिए, आपका रिवीजन होना चाहिए। तो 100 दिन का बढ़िया से प्लान बनाओ। ये तो हो गया कि भाई मेरी साइड से कि इसमें क्या करना चाहिए। अब कुछ बच्चों का ये भी है कि सर हमें एमपीएसआई भी देना है, बहुत अच्छी बात है। आपके क्वेश्चंस जेन्युइन है तो उन पे चर्चा की जानी चाहिए कि सर हमें एमपीएसआई भी देना है, हमें आगे पुलिस का या फॉरेस्ट का भी देना है, या एमपीएसआई का भी देना है, तो सर हम एमपीएसआई की तैयारी करें या पटवारी की तैयारी करें। देखो मेरी बात सुनो यार, हाँ बहुत दिन से हिंदी यहां भी आएगा, यहां भी है, मैथ यहां भी आएगा, यहां भी है, एमपीजी के यहां भी आएगा, यहां भी है। यहां जो अलग सब्जेक्ट है वो क्या है, इंग्लिश है। यहां जो अलग सब्जेक्ट है वो क्या है, इंग्लिश है। मैथ के साथ थोड़ी सी रीजनिंग पूछेगा और साइंस है। क्या है, साइंस है। मतलब आप देखो कि यहां पे कंप्यूटर और एमपी पंचायती राज है, और यहां एमपीजी के इंग्लिश और साइंस है। अब देखो कंप्यूटर और पंचायती राज वैसे भी बहुत कम टाइम में कवर हो जाते हैं, तो इनको आप साथ में लेके चल सकते हो। या अभी आप ऐसा करो कि सर ये जो कॉमन सब्जेक्ट है इन सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करते जाएं। यदि आप पंचायती राज पढ़ते हैं तो पंचायती राज का थोड़ा बहुत यूज आपको एसआई में भी हो जाएगा। एसआई में भी जीके जीएस के जब क्वेश्चन पूछेगा, पंचायती राज आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि पंचायती राज में है क्या। भाई आप जो योजनाएं वगैरह है आप वही पढ़ते हैं, पंचवर्षीय जो योजनाएं थी वो सारा पढ़ रहे होते हैं, पंचायत के बारे में आप पढ़ रहे होते हैं, तो ये सब तो जीके जीएस के अंदर भी आता है। पॉलिटी के कुछ अनुच्छेद वगैरह पढ़ रहे होते हैं, तो ये सारा तो आपको वैसे भी जीके जीएस के अंदर भी आ रहा होता, तो वो आपका यहां भी हेल्प करेगा। कंप्यूटर की यदि बात करें तो 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो यहां भी कंप्यूटर के पूछ लिए जाते हैं, तो 30-40 आप घंटे उसको पढ़ रहे हैं। मतलब एक्चुअल में यदि देखें तो आप यदि दोनों पेपर की साथ में तैयारी करते हैं तो बस आपको एक काम जो करना होगा वो ये कि आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट एक्स्ट्रा साथ में लेके चलना। इंग्लिश का सब्जेक्ट बस आप एक्स्ट्रा साथ में लेके चलते जाओ तो आपकी दोनों पेपर की तैयारी हो जाएगी। तो आप यदि इतना मैनेज कर पा रहे हैं, आप केवल पढ़ाई का ही काम कर रहे हैं, आप स्टूडेंट है केवल पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप दिन में 8-10 घंटे का पूरा स्केड्यूल बना के कि आपके 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे, 6 सब्जेक्ट की डेली आप इतनी क्लास कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि मान लो आप डेली 30 मिनट ये 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 45 मिनट ये पढ़ रहे हैं, तो टोटल आपके पास यदि देखा तो 90 और 1.5 घंटे तो कितना हो जाएगा आपका 3 घंटे, और लगभग 4 घंटे आपने ये क्लास कर ली। 1 घंटे आप इंग्लिश को दे लो तो 5 घंटे की क्लास होगी, फिर 5 घंटे आप अपना खुद से रिवीजन करेंगे। ये 5 घंटे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी से आप पढ़ रहे होंगे, उसके बाद 5 घंटे आप अपना खुद भी पढ़ोगे, आप पेपर सेट लगाओगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह लगाओगे। तो दिन में आप 8-10 घंटे का शेड्यूल अपना बना सकते हैं और 8-10 घंटे आप दे सकते हैं, ठीक है। अब आप यदि इतना देने के लिए रेडी नहीं हो तो भाई कोई दूसरा तो दे ही रहा, कोई दूसरा तो पढ़ ही रहा है। बच्चे 12-12 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, सुबह से शाम तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यदि आप चाहें आपको ऐसा ही देना है तो आप साथ में भी चल सकते हैं, आप साथ में भी इसको लेके चल पाओगे, ठीक है। तो ये मेरी साइड से कि भाई कैसे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब इसके अलावा आप सबको पता है कि हम डेली क्लासेस आपकी पटवारी के लिए फ्री क्लासेस आपकी चल ही रही हैं, रेगुलर क्लासेस आपकी चल रही हैं, हिंदी की क्लासेस चल रही है, फिर करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं, फिर पंचायती राज की क्लासेस चल रही हैं, फिर गणित की क्लासेस चल रही हैं, फिर आपका एमपीजी के चल रहा है। तो आप डेली इन क्लासेस को जुड़िएगा। यूट्यूब पर हम डेली क्लासेस ले रहे हैं। करंट अफेयर्स रोज में दोपहर में 12 बजे होता है, हिंदी दोपहर में 2 बजे होता है, पंचायती राज 3 बजे होता है, मैथ शाम 7 बजे होता है, और एमपीजी के 8 बजे होता है।
कि फ्री क्लासेस आपकी चली रही हैं, और बहुत जल्दी हम कंप्यूटर की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आने वाले हैं। कंप्यूटर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कराएंगे, तो उसको भी स्टार्ट हम करने वाले हैं। और जैसे ही थोड़ा सा ये स्केड्यूल से फ्री होते हैं तो इंग्लिश की भी यूट्यूब पर फ्री क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी फ्री क्लासेस आपकी चल रही हैं, आप यूट्यूब पर इन पर बने रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। कोशिश करें कि बढ़िया सा स्ट्रेटजी बनाएं जो अगले 100 दिन तक आपकी चले, और उन 100 दिनों में आप इस सिलेबस को एक बार पूरा कवर कर लें, ताकि फिर आपके ऊपर कोई बर्डन ना रह जाए। तो होपफुली आपने लास्ट तक वीडियो यदि देखा है और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार वीडियो को शेयर करेंगे, अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाएंगे और पढ़ेंगे। कोई क्वेरी है, कुछ और पूछना चाहें, जेन्युइन आपके कोई डाउट होंगे आप पूछेंगे, आज नीचे भी कमेंट करके बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं, और सभी के लिए ऑल द बेस्ट, बढ़िया से तैयारी करो। यदि आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। क्लियर, थैंक यू।